ये आपका विश्वास हो, आपकी श्रद्धा हो, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो शास्त्र आपको उलझन में डाल सकता है उसको मैं शास्त्र नहीं मानता। जिस शास्त्र से बिल्कुल सीधा रास्ता निकाल के आपको मार्गदर्शन किया जाता है वो सच्चा शास्त्र होता है। जो हमने बचपन में स्कूल में थे शिक्षक लोगों से कथा सुनी थी कि एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था, तो आगे की कथा आपको पता है सबको। आज के समय में जो आम इंसान की ज़िंदगी में जो एक समस्या बनती है, अभी समस्या देखो भाई किसके पास में नहीं है, सबके पास में समस्या होती है, और ये समस्या किस कारण से पैदा होती है, कैसी पैदा होती है, तो कई जगह से हम देखते हैं किताबों के माध्यम से आपको एक मार्गदर्शन किया जाता है, टीवी के माध्यम से जो कुछ आपके सवालों का जवाब दिया जाता है। तो आजकल ये शास्त्रों में बड़े लोग पीड़ित हो गए मेरे ख्याल से। शास्त्र शास्त्र जो लोग कहते हैं कि शास्त्र एग्जैक्टली क्या है, तो ये आपका विश्वास हो, आपकी श्रद्धा हो, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो शास्त्र आपको उलझन में डाल सकता है उसको मैं शास्त्र नहीं मानता। जिस शास्त्र से बिल्कुल सीधा रास्ता निकाल के आपको मार्गदर्शन किया जाता है वो सच्चा शास्त्र होता है। जो हमने बचपन में स्कूल में थे शिक्षक लोगों से कथा सुनी थी कि एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था, तो आगे की कथा आपको पता है सबको। तो मटके में जैसे उसने ढूंढा कि पानी तो कम है, फिर उसने क्या किया कि बड़े बड़े पत्थर लाके उस मटके के अंदर छोड़ दिए, और फिर वो पानी जैसे ऊपर आ गया उसने अपनी प्यास बुझा दी। अब होता ये है कि उस कौवे ने जितने भी पत्थर उस मटके के अंदर डाल दिए, ये मेरे ख्याल से ये अपनी प्यास बुझाने वाले वो सभी शास्त्र है। उस पत्थर की जितनी भी कीमत है वही शास्त्र है करीब करीब, जो लोगों को बहला फुसला के, जो लोगों को उलझन में डालने का काम करते हैं, तो ऐसे शास्त्रों में कोई दम नहीं। तो आजकल ये देख रहे हैं हम कि ये पूरे समाज के अंदर एक बात आजकल चल रही है कि वास्तु दोष होता है, वास्तु शास्त्र क्या है, तो कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप देखिए वास्तु में सच्चा दोष क्या होता है, तो मेरे ख्याल से वास्तु दोष होते 100% होते हैं, मैं भी इस बात पर विश्वास करता हूँ। और उस वास्तु दोष को निवारण करने के लिए आपको किसी संत फकीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी जानकार के पास जाने की ज़रूरत नहीं। वास्तु दोष बहुत मामूली होते हैं और वो आपने खुद नहीं सोचना है कि इसमें दोष क्या हो सकता है। देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप 50 लाख का 1 करोड़ का घर बनाते हैं, और जिस जगह पे आपने घर बना दिया ये जगह आपकी खुद की है या आपने किसी की ज़बरदस्ती कब्जा करके रखी है, हो सकता है सगे भाई की जगह हो, आपने कोर्ट कचहरी की हो, अपने अच्छे वकील के सहारे से आप वो जगह जीत ली हो, लेकिन कभी अपने अंतरात्मा से भी सवाल पूछो क्या सही में वाकई में ये जगह मेरी है। हर चीज़ झूठ बोल सकती है, आपका दिल कभी झूठ नहीं बोलता है, तो अपने दिल को कभी सवाल पूछो क्या ये जगह मेरी है। तो ये सबसे पहला ये वास्तु दोष होता है। दूसरा वास्तु दोष होता है भले ये जगह आपकी खुद की हो, आपके दादा परदादा की हो, आपने परचेस की हो, जो भी हो, लेकिन आप 2 करोड़ का घर बनाते हैं, आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, कितने लोगों की बद्दुआ उस पैसे के साथ गई, कितने लोगों की गालियाँ उस पैसे के साथ गई। एक साधारण आदमी एक आम तौर पे अपने ज़िंदगी में एक 15-20 लाख का घर बनाता है जिसमें उसने 15-20 लाख में 10-12 लाख समझो बैंक से कर्जा उठाया, तो आपने जगह गिरवी रखी है, आपने जमींदार दिए, आपने साक्षीदार दिए, आपको सूद के साथ पैसा बैंक को भुगतान करना है, और ऐसे हालात में जो 7-8 साल तक आप किश्तों में पैसा भरते हो, सूद के साथ पैसा देते हो, आखिरी किश्त जाने तक आपको उस घर में नींद आती नहीं है, एक बात सोचो कि जो पैसा बाकायदा आप कानून के तौर पे इंटरेस्ट के साथ में दे रहे हो, ऐसा पैसा आपको घर में नींद नहीं आने देता, तो जो पैसा आपने दूसरे के जेब में हाथ डालकर निकाल के लाया हो। अब लोग तो ड्रामेबाज तो बहुत हो गए कि भाई हम बाहर का खाना खाते नहीं, हमें लहसुन चलता नहीं, हमें प्याज चलता नहीं, तो ये प्रदर्शन काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन रिश्वत खाते हैं। तो ऐसे देखो किसी की बदवा से किसी गाली कलोज के आता हुआ जो पैसा है वो तो सिर्फ पैसा है, उसे हम लक्ष्मी नहीं कहते। तो उस पैसे से अगर आप 2 करोड़ की भी कोठी बना दो तो हो सकता है बाहर का लोग रंग देखते हैं, बाहर की आपकी गाड़ियाँ देखते हैं, लेकिन अंदर का जो दर्द आपके पास में है वो तो सिर्फ आप ही जानते हो। तो ये सबसे बड़ा ये वास्तु दोष होता है। तीसरी बात वास्तु दोष में ये आती है कि आपने घर बनाते समय कितने लोगों के पैसे आप मजदूरों के पैसे खा गए, ये हकीकत है बिल्कुल। देखो आप आमतौर पे आप किसी संत का दर्शन करने के बाद आपको लगता है कि भाई ये मुझे कोई आशीर्वाद देगा, ये मुझे कोई वरदान देगा, तो जब किसी के आशीर्वाद पर जब आप लोग विश्वास करते हो तो इसमें भी तो विश्वास करो कि कोई आपको गाली दे के जा रहा है,
कोई आपको बद्दुआ देके जा रहा है। मजलूम ने, मजलूम मतलब पीड़ित व्यक्ति, जिस पे आप अत्याचार करते हो, जिसके साथ आप हिंसा करते हो, तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति ने अगर कभी कभी कुछ कह दिया, कई बार ऐसा होता है कि लोग जो उसका काम का पैसा बनता है, बोले 50,000 उसका दे देंगे, लेकिन बिल 55,000 बन गया, तो 5,000 तो खा जाएंगे, बोले नहीं देंगे क्या करेंगे, तो वो आदमी तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आप बड़े लोग हो, तो मजबूर हो, क्या कर सकता है, आपका क्या बिगाड़ सकता है। तो ऐसे में आप देखिए, किसी की बहुत एक सुंदर रचना थी कि मजलूम ने भले ही कुछ कह दिया, अच्छी बात है, अगर उसने बोल दिया कि साहब हमारे जैसे गरीब आदमी का आप 5,000 रुपये खा गए, आपका अच्छा नहीं होगा, तो ये बोल दिया उसने, ये बात बहुत अच्छी, क्यों, क्योंकि उसकी जबान में सत्य की इतनी ताकत नहीं कि वो जैसा बोले वैसा हो सकता है, कोई परिवर्तन नहीं आ सकता उससे, हो सकता है। तो मजलूम ने भले ही कुछ कह दिया, अच्छी बात है, वरना उसकी खामोशी अर्श इलाही को हिला सकती है, अगर वो खामोशी से चुपचाप चला जाए तो वो परमात्मा के आसन को हिला सकता है। और ये बद्दुआ से अगर बचना चाहते हो, तो बाकी जो शास्त्रों के तौर पे लोग समझाते हैं कि भई ये बाथरूम की दिशा गलत हो गई तो बच्चा दो बार फेल हो गया, कोई मतलब ही नहीं इस बात का, इसका क्या मीनिंग है, भाई आपका बेटा है, दसवीं में कॉपी करके आप अगर 3 बार फेल हो गए, तो आपका बेटा तो कम से कम 2 बार फेल होना ही है, ये तो हमारी परंपरा है, होना ही चाहिए, वो बाथरूम की दिशा का और बच्चे के फेल होने का कोई संबंध नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि भाई किचन की दिशा गलत हो गई, तो जो घर में बरकत मिलनी चाहिए, वो बरकत पाने के लिए भी क्या क्या ड्रामे चलते हैं, वो बात अलग है, लेकिन बरकत कब मिल सकती है, कि आपके घर में आने वाला मेहमान, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, वो कितना अमीर है कितना गरीब है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कितना खुशी से वो चाय पी के गया, कितना खुशी से वो खाना खा के जाता है। तो ये जो बातें हैं आमतौर पर, ये सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है। जिन अच्छे बड़े लोगों ने, जिन सुशिक्षित, जिन्हें हम एजुकेटेड कहते हैं, ऐसे लोगों ने अपने घर के दरवाजे 24 घंटे बंद करके रखे हैं, जो अपने आप को बड़े समझते, तो शायद बरकत, मुझे लगता है पुण्य के मार्ग सब यहीं से बंद हो जाते हैं, ये सही वास्तु दोष होते हैं। कई लोग कहते हैं कभी कभी भाई बेडरूम की दिशा गलत हो गई, इसलिए बच्चे हुए नहीं, 12 साल हो गए शादी में, तो मैं तो ये बेवकूफ़ी समझता हूँ, सारे मैं ये छोटी सी बात है, आप सुअर को देखो, 12-12 बच्चे गटर के बाजू में घूमता है, 12 बच्चे उसके पास में, आपकी शादी होकर 12 साल हो गए, तो बेडरूम का इसमें कोई संबंध नहीं आता। तो सबसे पहले ये वास्तु दोष होते कि आप किस जगह पे घर बनाते हो, ये जगह आपकी खुद की है, आपने 2 करोड़ का घर बनाया, ये जगह आपकी खुद की भी हो, लेकिन पैसा आया कहाँ से, ये सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है। तीसरी बात सबसे बड़ी ये होती है कि आपने कितने मजदूरों के आप पैसे खा गए, तो दूसरे की बद्दुआ पर आप विश्वास रखो, जो पैसा आता है आपके जेब में, दूसरे की जेब से आप जबरदस्ती निकाल के लाते हो, तो ये होता है सबसे बड़ा वास्तु दोष, किसी का पैसा आप खा जाते हो, ये वो होता है वास्तु दोष। और फिर मैं इतिहास थोड़ा सा दोहराना चाहूँ यहाँ पे, कि सम्राट दशरथ महाराज, चक्रवर्ती सम्राट है, राम को जन्म देने की जिसकी क्षमता थी, और जिस सम्राट के दरबार में विद्वानों की सभा लगती थी, विद्वान भी ऐसे नहीं कि भाई बस आँख में पानी लगा दो मंत्र बोलो, ऐसे कोई विद्वान नहीं थे, विश्वामित्र जैसे, वशिष्ठ मुनि जैसे, रथी महारथी लोग जिनके दरबार में थे, जिस दशरथ महाराज ने इंद्र को युद्ध में मदद करने की जिसके पास में क्षमता थी, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट के महल में कौन सा वास्तु दोष था, मुझे जरा आप बताओ। घर तो टूट गया पूरी तरह से, तो किस कारण से टूट गया, उसका एक ही कारण था, इतिहास उसको साक्षी है, कि श्रवण कुमार के माता पिता के एक शाप के कारण जब दशरथ महाराज का परिवार पूरा टूट सकता है, तो हमारी तो सब झोलियां शापों से भरी है, हम क्या वास्तु दोष देख सकते, ये सबसे बड़ा वास्तु दोष यही होता है। बाकी ये सब भटकाने वाली जो बातें, वो जो व्यवस्था है, तो फिर मैं फिर से एक बात मुझे अभी याद आ रही कि इस दुनिया में बेवकूफ़ों की कमी नहीं, शायद वो शायर का नाम मैं भूल गया, या पागलों की कोई कमी नहीं है गालिब, गालिब साहब की बात थी, यहाँ पागलों की कोई कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो तो 1,000 मिलते, तो गालिब साहब ने तो बस 2 बातें बता दी थी कि एक ढूंढो तो 1,000 मिलते, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई 1,000 का भी मुकाबला नहीं हो पाता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक ढूंढो तो 1,000 मिलते, दूर ढूंढो तो नज़दीक मिलते, और बाहर ढूंढो तो घर में मिलते, ऐसा होता है। ये शास्त्र वगैरह ये सब जो बातें वो सब दिमाग से हटा दो, पहले आत्मपरीक्षण करो, आप कितना अच्छा काम करते हो, कितना गलत करते हो, बस यही वास्तु दोष होता है और कुछ नहीं। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।